गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने साथ है द माइटी NS200 2024 वाला मॉडल। एक बार मैं की ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो DRL से आप लोग को आइडिया लगी गया होगा कि नई वाली है अपनी 2024 वाली OBD सेंसर 2 वाली ये NS200 है। और आज इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू करेंगे। मैं बहुत उत्सुक था इस गाड़ी को चलाने के लिए क्योंकि मैंने लास्ट अपनी वो बिना DRL वाली है हेलोजन लाइट वाली चलाई थी, तो अच्छा फीडबैक था मेरा उसको भी। अब इसको देखते हैं मेरा फीडबैक क्या है और प्रैक्टिकल डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो फीचर आए ना वो एकदम डेली यूज़ में या रोड पे कितने काम के, वो सारी चीज़ें यूज़ करके देखेंगे। 5.5 फीट मेरी हाइट है और मेरे सिर्फ पंजे आ रहे हैं थोड़ा सा। अभी तो खैर लगी नहीं वाइब्रेशन और आवाज़ बहुत अच्छी थम्पी सी आ रही है। चलो रोड पे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या फीडबैक आ रहा है। अरे कितनी जल्दी 100-101 चली गई भाई। 2 मिनट मैंने मीटर को नहीं देखा, ये तो 100 पार पहुंच गई। सही है। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी का, मैंने खींच के भी देख लिया और थोड़ा सा एक आइडिया भी लग गया। और बाकी मैंने इसको 32 किलोमीटर चला भी लिया तब मेरे को एक आइडिया हो गया कि गाड़ी के अंदर क्या फीडबैक है क्या नहीं है। सबसे पहला मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि जो पुरानी वाली NS है, मतलब जो हेलोजन लाइट के साथ आती थी, BS6 वाली कह रहा हूँ मैं, 2023 वाली जो अभी तक 24 तक भी बिक्री थी जनवरी फरवरी तक, उसको लेके और इसको लेके पावर में कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर बहुत अच्छी है दोनों ही गाड़ियों में, चेंजेस कुछ भी नहीं है। और फ़ायदा क्या मिलता है आपको NS200 लेने का, जैसा अभी चल रहे एक गियर डाउन रोड पे भौकाल, सिर्फ एक गियर डाउन करना है और ब्रेक देखो बस एक बाइट मारा, गाड़ी आपके हित में आपके कंट्रोल में। अब ओवरटेक करना है ना, देखो छोटा सा हैंडल आपके इर्द गिर्द ही रहेगी गाड़ी। इर्द गिर्द का कहने का मतलब ये है आपके कंट्रोल में रहेगी, आपके सरफेस में रहेगी और बहुत अच्छी चलेगी। आप किसी भी लाइन में ओवरटेक करना चाहते हो, जस्ट लाइक यहाँ से सडन यहाँ जाना चाहते हो, तो आपको पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरटेक कर रहे हो बस एक गियर डाउन करो, सिर्फ एक गियर। जैसे मैं 5वें पे हूँ, 4थे पे करो, ये देखो बहुत सही एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को चलाने में। और ऐसे अगर मैं चला रहा हूँ ना जैसे मैंने अभी चलाई, तो मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है और मैं एक अलग तरीके से चलाता हूँ। अभी मैं यू टर्न लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं उस तरीके से चलाऊँगा ना तो सीट पे बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील होगी, ये देखो। और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, पीछे वाली सो फार इतनी बढ़िया नहीं है, आगे वाली बहुत अच्छी है। और आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा पीछे वाली ब्रेकिंग में, ऐसा नहीं लगेगा यार कि किसी चीज़ की आपको कमी हो रही है। अरे भैया तुम कहाँ से प्रकट हो लिए यार, ऐसा ना ही करो भाऊ। ये देखो बस एक बार आपको ब्रेक को यू करके प्रेस करना है, गाड़ी आपके टोटल कंट्रोल में आ जाएगी। मिरर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ दिख रहा है पीछे कौन आ रहा है, लेफ्ट में राइट में दाएं में ऊपर नीचे सब दिख रहा है भैया। ये देखो नीचे का ऊपर नीचे का सब, इधर भी। वो तो मुझे मिरर सेट करने नहीं आते तो इतना बढ़िया दिख रहा है, और मैं अगर सेट कर दूँ तो फिर ब्रह्मांड ना दिख जाए मुझे, सौरमंडल ना दिख जाए भैया सौरमंडल। जस्ट किडिंग। और दो चीज़ें कंपनी ने बहुत अच्छी करी है इस वाली गाड़ी में, BS6 की जो 2023 वाली थी ना उसके मुकाबले, सबसे पहला क्लच और दूसरा है अपना गियर बॉक्स। अब चलो गियर चैलेंज भी कर लेते हैं। फर्स्ट गियर कितना जाता है, 48, सेकेंड 67, जिस स्पीड में या जिस तरीके से आप चल रहा हो ना 90, इसमें वाइब्रेशन बहुत फील होती है। 114 चौथा गियर, 5वें गियर की यहाँ जगह नहीं है और एंटी रोड पे अचानक से हाईजैक करती हुई आ गई। जैसे अगर आप पूरे हर गियर के टॉप एंड तक जाओगे ना, या जैसे 8000 RPM क्रॉस करोगे, हाई RPM पे चलोगे, तो आपको सीट के पास ऐसी वाइब्रेशन फील होगी, ऐसी भद्दी वाइब्रेशन फील होगी, आप अनाहोय हो जाओगे। पर एक चीज़ में और अच्छी चीज़ करी कंपनी ने कि हीटिंग इशू बहुत सुधार दिया, क्योंकि मैं बहुत देर से इस गाड़ी को चला रहा हूँ और भी मैंने वीडियोस बनाई इस पर और भी वीडियोस क्रिएट करी, और इसी में ट्रैफिक भरे रोड पे मैंने गाड़ी भी चलाई, तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा एक बार भी, क्योंकि गर्मी हो रही है, कि इसके अंदर हीटिंग इशू कोई हो, मतलब होगा ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होगा,
जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा ना तब ये थोड़ा सा हीट करेगी, पर अभी तो इसका कूलिंग टेम्परेचर बढ़िया चल रहा है। टेंटन है, टेंटन है। हैंडलिंग बहुत प्यारी है, बहुत शानदार। अरे भैया मैं तो एक चीज़ भूल ही गया जो मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हुई, यो के टायर। इसके टायर भाई निहायत ही वाहिया टायर है, आपको 80-90 तक की स्पीड में बहुत बढ़िया साथ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप अगर स्ट्रेट स्ट्रेट चल रहे हो, सीधा सीधा चल रहे हो क्रूज करते हुए, तो भी आपका बहुत बढ़िया साथ देंगे। पर अगर आप सोचो कि मैं इसको हाई स्पीड पर भगाऊँ, लीन वगैरह करूँ, जीरो है भाई इनका कॉन्फिडेंस, जीरो। ऐसा रद्दी, एकदम रद्दी, कुछ नहीं भाई। मुझे तो ना पुरानी वाली है ना उसका अच्छा लगा, BS3 का, ना BS4 का अच्छा लगा, ना BS6 का अच्छा लगा, ना ये BS6 फेज 2 का अच्छा लगा। बहुत भाई कंपनी को टायर बदलने चाहिए थे सख्त। अगर भाई वीडियो देख रही है कंपनी तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा अनुमलित करना, थोड़ा सा इस पर चर्चा करना। बाकी इन सारी चीज़ों के लिए नॉर्मल स्पीड तक में तो ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी दिखाता हूँ क्या है वो। ये टेम्पो वाले भैया निकले, ये देखो आवाज़ देखो कितनी बढ़िया है। भाई मैं बहुत 114-115 की स्पीड पे चल रहा हूँ, सच में पता नहीं चल रहा, पता सिर्फ कैसे चल रहा है, पता चल रहा है भाई इसके सस्पेंशन से। हालांकि इसके अंदर USD है, सिर्फ और सिर्फ वो नाम के हैं भैया। 70-80 की स्पीड तक ठीक चलते हैं, 60 की स्पीड तक ठीक चलते हैं, उसके बाद इनको पता नहीं क्या मौत आ जाती है। ऐसा करते हैं ये जैसे टेलीस्कोपिक हो, उछलने लग जाते हैं, ऐसे बाउंसी बाउंसी फील हो जाते हैं। अब जब ऐसे उछल रहे हैं तो टॉप स्पीड पे टायर भी छोटे हैं, तो फिर क्या ही फीडबैक आएगा। बाकी गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, ये देखो एक ब्रेक मारूंगा कंट्रोल में, मीटर बहुत अच्छा है, काम की सारी चीज़ें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, 10x10 नेविगेशन भी देख सकते हो भैया, यो में मैप लगा के कॉल वगैरह आ रही है ना यहीं से, ये M का बटन दबा के कॉल भी उठा सको। तो चीज़ें तो बहुत सारी दी है भर भर के इस प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें कोई और गाड़ी देती है। सही सारी चीज़ें कर दी, बढ़िया मस्त, मज़ा आ रहा है, मज़ा। और बल्कि सी गाड़ी है वैसे, फ़ोटो वगैरह में आपको लग रही हो कि नहीं छोटी सी है, ऐसी ना भाई, थोड़ी है बल्कि, यू बढ़िया काम करेगी आपका। फ्यूल एफिशिएंसी हो गई, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। क्लच बहुत लाइट कर दिया भाई, मेरे पैर बस थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं यहाँ को लेके। वैसे सीट हाइट कम है इसके, 810 ही है, पता नहीं ये ऊँची का या तो हवा ज़्यादा है इसमें। चलो और बस इस व्लॉग में तो भैया इतना ही, बहुत लंबा ना हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं। इंजन सेम है, बाकी जो उसका मेकअप कह सकते हो ऊपर से किया गया है, जस्ट लाइक LED कर दिए, मीटर डाल दिया, बाकी इंजन को लेके कोई छेड़खानी गई है, छेड़खानी नहीं की गई है, इंजन वही सेम एज यूजुअल पहले वाला ही है, तो दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ सच्ची में भाई, पावर है इसमें एक्चुअल में, इस प्राइस रेंज में अगर कोई इतनी बढ़िया पावर दे सकता है ना, तो वो सिर्फ बजाज ही है, और बजाज के RS 200 चलो फिर भी 2 लाख पार चली जाती है, ये नहीं जाती। वो रहा नित्तू, जैसे अपना नित्तू डॉन है ना, चलो भैया मज़ा आ गया। और इस व्लॉग में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं NS 160 का राइड रिव्यू लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और बाय बाय, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रो।